रामपुर जिला अस्पताल में आज भाजपा सांसद नेपाल सिंह ने डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष और सभी भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। डायलिसिस सेंटर का सांसद नेपाल सिंह ने फीता काट कर उद्घाटन किया। रामपुर के जिला अस्पताल में आज रामपुर की जनता के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। जी हां, रामपुर जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन भाजपा सांसद नेपाल सिंह ने किया। इस सेंटर में 5 से 10 लोगों का डायलिसिस किया जा सकता है। इस दौरान भाजपा सांसद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जेमो और हॉस्पिटल का और पार्टी के सभी पदाधिकारियों का मुझे सहयोग मिला और नई चीज डायलिसिस सेंटर एक जिला अस्पताल में रामपुर में खुल गई है और कई उद्घाटन नवोदय विद्यालय का मैंने किया है और कई आइटम चले गए जिनको उद्घाटन करने हैं। ये डायलिसिस में कितने लोगों का इलाज हो पाएगा? अब ये तो पाँच यूनिट लगी हैं अभी वर्तमान में, आगे और बढ़ेंगे। वर्तमान में 5 यूनिट लगी हैं और अभी चलेंगे। अच्छा, यहाँ और ये मोदी जी का प्लान है कि पूरे इंडिया में वो डायलिसिस सेंटर खोला। अच्छा, यहाँ पर सांसद डॉक्टरों की भी कमी है अस्पताल में, 250 बेड का अस्पताल ऐसा है, लेडीज डॉक्टर नहीं है, लेडीज डॉक्टर जिनके नाम है उनको अपॉइंटमेंट बताएं। नहीं, हार्ट पेशेंट, हार्ट डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पर। हार्ट नाम देते हैं वो आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, बात करें यहाँ पर एक्सरे मशीन भी है लगी हुई, लेकिन उसका टेक्नीशियन नहीं है यहाँ पर, एक्सरे नहीं हो पा रहे। अब मैंने देखा नहीं, ज्यादा देखा नहीं, भूल लूंगा नहीं। सीमो साहब जवाब दे देंगे इसका। आपको 2 साल पहले यहाँ पर कहा था कि स्पेस नहीं है, आज उसी हॉस्पिटल में स्पेस से डायलिसिस सेंटर खोल दिया गया। 2 साल पहले भी आपने कहा था स्पेस नहीं है, वरना हम डायलिसिस सेंटर खोल देते। स्पेस आपको लग रही है कि नहीं लग रही? स्पेस तो है ना, स्पेस तो है ही नहीं, तभी तो खुला है। यहाँ जो डॉक्टर की कमी है वो सांसद जी, यहाँ जो डॉक्टर की कमी है वो कैसे दूर होगी? डॉक्टर की हमें दिक्कत दे तो वो अपॉइंट हो जाएगा।